शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। श्रद्धा की हल्दी का शगुन कीर्ति पे, हे माता रानी, इतना बड़ा अपशगुन। एक काम दिया तो तुम्हें कीर्ति वो भी ढंग से नहीं कर सकती, तो ध्यान कहाँ रहता है तुम्हारा। श्रद्धा को नहाना था इस हल्दी वाले पानी से और देखो तुमने क्या कर दिया। क्या हुआ है मम्मी? श्रद्धा, तुम्हारे ससुराल से ये हल्दी वाला पानी आया था, उससे तुमने नहाना था और ये देखो। मम्मी, अनजाने में गलती तो किसी से भी हो सकती है ना, और कीर्ति ने ये जानबूझकर थोड़ी ना किया है। देखिए, अभी भी तो है इसमें पानी। सब ठीक है मम्मी, आप चिंता मत कीजिए। नहीं श्रद्धा, नहीं, ये ठीक नहीं हुआ। कहीं कुछ छल? कुछ नहीं हुआ है मम्मी। अरे पानी है, थोड़ा सा छलक गया। इसमें अपशगुन कहाँ से हो गया? हे भगवान, अभी तुमने बहुत सारा काम करना है, गाड़ी में सामान रखवाना है, तुम भी तैयार हो के आओ जल्दी। शर्म करो थोड़ी कीर्ति, शर्म करो। उसकी शादी और वो काम कर रही है, कम से कम अपना गिराया पानी तो साफ कर दो। भगवान, ये लड़की मुझे पागल कर देगी। पढ़वा दी ना आपने, डांट दी दू। क्यों करना था ये? अच्छा, अभी अगर ये मैं नहीं करूंगी तो कौन करेगा? तू तो करने से रही। मम्मी वैसे भी हमें यूजलेस समझती हैं, आप है जो बचा लेती। हम आप भी जा रही हैं, पता नहीं मम्मी के कहर से हमें कौन बचाएगा। अरे ये क्या आंखें दिखा आपने? तू कब से इतना इमोशनल होने लग गई? और एक सच बात बताऊं कीर्तु, तुझ पे ऐसा मूड ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। स्माइल कर। अब छोड़िए, हमारे इमोशन की ना यहाँ किसी को कदर ही नहीं है। अच्छा, मतलब मजाक सिर्फ तुझे ही करना आता है? अरे मैं कौन सा सात समुंदर पार दूर जा रही हूँ तुझसे? आप सात समुंदर दूर नहीं, सात गली छोड़ के आपका ससुराल। जब मर्जी करे आप आ जाएं, और अगर आप नहीं आएंगी तो हम आ जाएंगे। ऐसे भी बहुत सारे फैंस हैं हमारे आपके ससुराल में। अच्छा, ऐसा क्या? तुम्हें पता है कभी कभी लाइफ में ना तुम्हारे लिए क्या सही है से ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है तुम्हारे लिए क्या गलत है ये जानना। इसलिए थैंक यू मुझे असली कीर्ति से मिलवाने के लिए। बस अपने देवर को हमसे दूर रखना। अभय ने कुछ किया? इरिटेट करता है, अपने आप को ओवर स्मार्ट समझता है, जो नहीं करना चाहिए वो करता है और फिर हम इरिटेट हो जाते हैं। और गिनवाएं? अरे कीर्ति, एक बात बोलूं, लोगों को उनके इरादे और उनके ईमानदारी से जज करना चाहिए, उनके एक्शन से नहीं। और क्या पता शायद तुझे भी अभय। दीदू दीदू दीदू, अब प्लीज, अब आप ना ये अभय पुराण मत शुरू कर दो। आप जल्दी से जाइए, तैयार होइए, वरना आप लेट होंगी और मम्मी ना बिल हम पे भाड़ेंगी। ये कर दूं पहले? अरे ये सब छोड़ो ना, आप हमारे साथ बैठो 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 बैठो। एक बात बोलूं, हमारी दीदू को ना किसी के हल्दी पानी की जरूरत नहीं है। ने प्यार से जो हमने हल्दी मला है, ऐसे ही ग्लो कर रही है। जीजा जी ना आपको देख के फ्लैट हो जाने वाले हैं। ताई जी ने पगड़ी भेजी है, कुछ हेल्प चाहिए क्या? क्या बात है,
बड़े भाई की शादी की इतनी खुशी? अरे क्या बताऊं, खुशी का तो आज लेवल ही अलग है। क्यों, प्रॉब्लम है छोटे भाई की खुशी से? मुझे क्या प्रॉब्लम हो गया? तू तो ये बता कि मेरे ससुराल गया था मेरा हल्दी का पानी लेके, तो वहां क्या नया कांड कर गया है? अरे आज कांड ना एकदम गजब हुआ है। बस तू इतना समझ ले, तेरा भाई आज दिल से आजाद हो गया। अब कीर्ति से ना मुझे कोई लेना देना नहीं। खैर ये सब कुछ छोड़, तू तो रेडी है यार, मैं भागता हूँ, मैं रेडी होकर आता हूँ, ठीक फिर मिलता हूँ। वैसे आज तो मेरी चिंता छोड़, अपनी चिंता कर। हा? शादी होने वाली है तेरी, सोने के पिंजरे में कैद होने वाला है तो तेरा ये निखट्टू भाई आजादी की उड़ान भरे। हाँ भैया, सारी डेकोरेशन ठीक से हो गई है ना, किसी चीज की कोई कमी नहीं रहना चाहिए। सुनिए मैं कॉल करता हूँ आपको। सुनिए, स्वागत का सारा सामान तैयार है ना? सारी तैयारियां हो गई हैं। अब वो जो पंडित जी ने सामग्री लिखवाई थी, वो सारी सामग्री और मिठाई मैंने सीधे वेन्यू में भेज दी। प्यारी लग रही है मेरी बच्ची, किसी की बुरी नजर न लग जाए। बेटा इतनी प्यारी लग रही हो, क्या जरूरत है पार्लर जाने की? अरे मम्मी, शादी रोज रोज नहीं होती है, दुल्हन है ये, और दुल्हन ना घर में रेडी नहीं होती, पार्लर में रेडी होती, इसलिए हम दीदू को पार्लर ले जा रहे हैं। मम्मी आप फिर से परेशान होने लग गई, पास में ही तो है पार्लर। तुम्हारी मम्मी इसलिए परेशान नहीं है कि तुम पार्लर जा रही हो, वो इसलिए परेशान है कि कीर्ति तुम्हारे साथ है। पापा, डॉली के रहते हुए आकर किस बात की टेंशन? अरे डॉली बेटा आओ आओ अंदर आओ। कैसी हो बेटा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ आंटी, आप कैसे हैं? अच्छी हूँ मैं। नमस्ते अंकल। अब आप चिंता छोड़ दीजिए, मैं हूँ ना सब संभाल लूंगी। मम्मी अब टेंशन खत्म, हम और डॉली दीदी आपकी प्यारी दुल्हनिया को फटाफट पार्लर लेके जाएंगे और सही सलामत वेन्यू पे ले आएंगे, ठीक है? ये हमें पकड़ा दो। चलो दीदू। चलो डॉली दीदी चलिए। ठीक है चलो चलो। ध्यान से जाना बेटा। हाँ। आज घर के बाहर मेरी बेटी गई है, जब आएगी तो किसी की बहू। प्रिय श्रद्धा, ये लेटर किसने दिया है? किस्मत से टकराती उलझी लकीरों को सुलझाती श्रद्धा की कहानी देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शिमारू उमंग।